Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow With Me. So, आज हम बात करेंगे about KVS PRT result and KVS TGT result. So, जितने भी TGT के candidates हैं, ये तो most awaited result है as I have studied in comment कि हमारा result कब आएगा. अभी भी morning में मेरे पास comment था. See, आप लोगों का जो result है ये November end में या December first week में आने के full chances हैं. क्योंकि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी वो वैसे भी अभी नहीं होने वाली है, इट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर ओनली. सो आप लोग अपना रिजल्ट का और 15-20 दिन वेट कर लीजिए, डेफिनेटली इस बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा. एंड सबसे एंड में क्योंकि इंटरव्यूज हमारे KVS PRT के हुए तो हमारा KVS PRT का रिजल्ट भी सबसे एंड में आएगा. बट येस, इस ईयर आपको दिसंबर 20 दिसंबर के बाद दिसंबर एंड तक आपको डेफिनेटली KVS PRT का रिजल्ट देखने को मिलेगा. अब आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी. हमें लगा था कि बीएड के निकलने के बाद कट ऑफ जो होगी लो जाएगी, बट कट ऑफ बहुत हाई थी. तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका उसमें आपका लिस्ट में नाम आ गया तो वो बहुत हैप्पी भी होंगे और इंटरव्यू देने के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ फुल प्रिपरेशन के साथ गए होंगे. बट इंटरव्यू के अंदर जो आप लोगों के साथ हुआ, दैट आई नो कैंडिडेट्स के कमेंट्स से मुझे पता लगा कि हम लोग इतना प्रिपेयर होके गए थे लेकिन हमारा इंटरव्यू जो था 3-4 मिनट 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया. हमसे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं गया और डायरेक्ट डेमो के लिए बोल दिया गया. कुछ ऐसा हुआ कि इंट्रोडक्शन ही लिया, उसके बाद ना डेमो पूछा गया उनसे, ना उनसे क्वेश्चनिंग की गई. ये प्रॉब्लम भी फेस हुई. कुछ का ऐसा था कि आपसे डायरेक्ट डेमो लिया गया, उसके बाद ये बोल दिया गया कि आप इंग्लिश में ही डेमो दीजिए. तो आई नो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मन में बहुत दुख भी हुआ होगा, बहुत परेशानी भी होगी कि इतना रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी हम लोगों का इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ. तो डोंट पैनिक, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए. जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी दोनों को देख के मिलेगी, एज आपका रिटर्न और इंटरव्यू का रेशियो 70:30 है. तो ऐसे परेशान मत होइए कि आप हमारा नाम नहीं आएगा. अगर आप लोगों ने डेफिनेटली मेहनत करी है तो गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू, गॉड इज़ देयर टू सी एवरी वन ऑफ अस. तो आपका डेफिनेटली नाम आने वाला है रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में, विद योर पोस्टिंग, रीसेंट पोस्टिंग तो होगा ऐसा. और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो लोग जो हैं हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनको इंग्लिश का पता ही नहीं है. हाँ, वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आए भी होंगे इंटरव्यू के लिए, बट उनसे इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं गया. और जो हम अगर कैंडिडेट्स बचपन से ही अगर हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंग्लिश में डेमो देना. आई नो दैट. सो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस की गई हैं, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि KVS जो है इतनी सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्मूथ है, जिसमें हर चीज़ हर एक काम टाइम पे होता है, टाइमली होता है. बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर्स के इश्यूज़ भी बहुत थे. आपको ये पता ही है, आपका ट्रांसफर की वजह से भी कितने टाइम तक रिजल्ट रुका रहा है. देन बीएड वर्सेस बीटीसी का केस आ गया था बीच में, उसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट रुका. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इसी वजह से. और प्लस आपका जो हमारे पीआरटी का पेपर था वो मल्टीपल शिफ्ट्स में किया गया, ये तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन भी करना था. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इस बार रिजल्ट में KVS की. और पूरा साल फरवरी से लेके अब हम नवंबर देख रहे हैं, नवंबर में आ गए हैं, पूरा साल निकल गया है जैसा जिसमें कि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऐसा कभी नहीं होता था. तो अभी भी आप लोगों का जो है, आप लोग विश्वास रखिए, आप लोगों का इंटरव्यू अगर अच्छा गया है तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा. और बाकी के कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ है, कट ऑफ पे भी वो एकदम बॉर्डर पे थे, तो वो भी परेशान मत होइए, क्योंकि हमारी DSSSB की वैकेंसीज और अदर स्टेट वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं. आप लोग बस अपना आपको क्विक वॉच रखना है, एकदम परफेक्टली आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और हार नहीं माननी है. क्योंकि अगर आप ही से हार मानने बैठ जाएंगे तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो निकल जाएगी. क्योंकि जनरली जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 36 ईयर्स के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट जो फीमेल्स हैं तभी भी उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ TGTs. तो इसीलिए अपना फोकस पूरा प्रिपरेशन पे रखिए. कहीं पे भी कोई भी वैकेंसीज निकल रही है उसका परफेक्टली देखिए, वीडियोस देखते रहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज हैं. एंड फॉर अ टाइम बीइंग अगर आपको लगता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, तो यू कैन ज्वाइन प्राइवेट स्कूल ऑल्सो. क्योंकि अगर जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी अच्छी होती रहती है, आप लेटेस्ट नॉलेज से अपडेट रहते हैं. जब हम पढ़ाते हैं तो खुद भी अपने आप को पूरा अपडेट रखते हैं, बच्चों के लिए हम पहले से पढ़ के जाते हैं. तो अगर आप लोगों को ऐसा है कि हम फुली प्रिपेयर्ड है फॉर द एग्जाम, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन प्राइवेट स्कूल एंड कीप ऑन अप्लाइंग.
थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।